बच्चों ये देखो सॉल्यूट सोल्यूट क्या है लास्ट क्लास में हम पढ़े थे सोल्यूट क्या होता है देखो द सॉलिड दैट डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज कॉल ए सोल्यूड बच्चों सॉलिड बहुत टाइप का होता है आगे नहीं जो सॉलिड लिक्विड के साथ डिजॉल्व हो सकता है उसको सोल्यूट कहते हैं मतलब जो सॉलिड लिक्विड के साथ मिल सकता है तो वो सॉलिड को सोल्यूट कहते हैं समझे जो सॉलिड लिक्विड के साथ मिल सकता है वो सॉलिड को सोल्यूट कहते हैं ओके okay? उसके बाद बच्चों सॉल्वेंट सॉल्वेंट क्या है द लिक्विड इन विच द सोल्यूट डिजल्व इन कॉल सॉल्वेंट सॉल्वेंट क्या है बच्चों जो लिक्विड सॉल्यूट के साथ मिल सकता है वो लिक्विड को सॉल्वेंट कहते हैं क्या है जो लिक्विड सॉल्यूट के साथ मिल सकता है मिक्स हो सकता है वो लिक्विड को सॉल्वेंट कहते हैं ओके नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन होता है द लिक्विड दैट इज ऑप्टेन व्हेन ए सॉल्यूट डीजल इन ए सॉल्वेंट इज कॉल ए सॉल्यूशन बच्चों सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल के क्या होता है सॉल्यूशन होता है ओके okay, देखो ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन जैसे सॉल्ट एक सॉल्यूट है वाटर एक सॉल्वेंट है तो ये दोनों मिलके क्या होता है सॉल्ट सॉल्यूशन होता है मतलब ये दोनों मिलके सॉल्यूशन होता है सॉल्ट सॉल्यूशन ओके सब्सटेंस डेट डिजल्व इन वाटर आर सेट टू बी सोल्यूबल इन वाटर जो सब्सटेंस बच्चों वाट सब्सटैंड वाटर के साथ डिजल्व होता है उसको सोल्यूबल इन वाटर कहते हैं ओके सॉल्ट शुगर लेमन जूस इंक ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर बच्चों जो सॉस्टांस वाटर के साथ मिल सकता है वो उसको सोल्यूबल इन वाटर कहते हैं वो जैसे सॉल्ट ये वाटर के साथ मिल सकता है कि नहीं शुगर ये भी वाटर के साथ मिक्स हो सकता है लेमन जूस इंक ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड ये सब वाटर के साथ मिल सकता है ओके डिजर्प होता है सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिजर्ब इन वाटर आर सेड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब जो इन वाटर क्या है जो सब्सटेंस वाटर के साथ मिल सकता है उसको सोलबल इन वाटर कहते हैं लेकिन जो सब्सटेंस वाटर के साथ नहीं मिल सकता है डिजर्ब नहीं होता है मिक्स नहीं होता है उसको कहते हैं इन इन वाटर जैसे चौक पाउडर ये वाटर के साथ नहीं मिलता है ऑयल पेट्रोल सेंट हाइड्रोजन गैस ये सब इन सोलबुल वाटर क्यों क्योंकि ये वाटर के साथ नहीं मिल पाता है मिल नहीं सकता है समझे मिक्स नहीं हो पाता जैसे सॉल्ट शुगर ये सब वाटर के साथ मिक्स हो पाता है इसलिए उसको इन वाटर कहते हैं लेकिन सेंट मिट जो होता है बाली कहते हैं सेंट ये सब वाटर के साथ नहीं मिल पाता है इसलिए इसको इन इन वाटर कहते हैं ओके